भारत में दलित होना किसी गुनाह से कम नहीं, और ऊपर से आप अगर एक दलित महिला हैं तो कास्ट और जेंडर की दोहरी मार से आपको गुजरना पड़ता है। आपने अक्सर जातिवादियों को ये कहते हुए सुना होगा कि दलितों में मेरिट नहीं होती, दलित सिर्फ कोटे के नाम पर मलाई खा रहे हैं। लेकिन भारत की ही एक दलित महिला ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका। पुणे के येरवडा की झुग्गी झोपड़ी से लेकर अमेरिका में प्रोफेसर बनने तक का बेहतरीन सफर तय करने वाली शैलजा पाइक अब प्रतिष्ठित मैकआर्थर फेलोशिप पाने वाली पहली दलित महिला बन गई हैं। इस फेलोशिप के लिए शैलजा पाइक को 8 लाख अमेरिकी डॉलर यानी इंडिया के 6,71,00,000 रुपए मिलेंगे। जॉन डी और कैथरीन टी मैकआर्थर फाउंडेशन की ओर से मैकआर्थर फेलो प्रोग्राम की जीनियस ग्रांट फेलोशिप अमेरिका में अलग अलग क्षेत्रों के 20 से 30 शोधकर्ताओं और विद्वानों को हर साल दी जाती है, और इस साल दलित बैकग्राउंड से आने वाली शैलजा पाइक को इस फेलोशिप के लिए चुना गया है। शैलजा पाइक ने अपने शोध अध्ययन के माध्यम से दलित महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रस्तुत किया। बीबीसी मराठी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस फेलोशिप को पाकर बहुत खुश हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर चल रही हूं। शैलजा पाइक पुणे के येरवडा की रहने वाली है। वो अपनी 3 बहनों के साथ येरवडा की झुग्गियों में 20x20 फीट के छोटे से घर में पली बड़ी है। वो बताती है, हमारे पास न तो पीने के पानी की सुविधा थी और न ही शौचालय की। ये सच है कि मैं कचरे और यहाँ तक कि गंदगी से घरे इलाके जहाँ सुअर घूमते रहते थे वहाँ बड़ी हुई हूँ। सार्वजनिक शौचालयों की वो यादें मुझे आज भी परेशान करती हैं। बस्ती में सार्वजनिक नल का पानी ही घर में खाना पकाने या सफाई जैसे कामों का आधार था। मुझे याद है कि इस पानी के लिए भी लंबी कतार में लगना पड़ता था। आप सबने कई बार सुना होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन असल में ये जानकारी अधूरी है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात मिसिंग है। बाबा साहेब की पूरी बात लोगों को याद नहीं। उन्होंने असल में कहा था, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजी शिक्षा पर खास जोर दिया था। बाबा साहेब की ये बात शैलजा पाइक के माता पिता को समझ में आई और उन्होंने तमाम आर्थिक तंगियों के बावजूद अपनी बेटी को अंग्रेजी शिक्षा दिलाई। शैलजा पाइक इस बारे में कहती है, गरीबी के बावजूद मेरे पिता देवराम और माँ सरिता ने उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में शिक्षा दिलाई। सामाजिक, शैक्षिक, भावनात्मक और मानसिक सभी स्तरों पर इन सब का निश्चित रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना मुश्किल जीवन जीने और येरवड़ा जैसे इलाके में रहने के बाद भी इन हालात से बाहर निकलने में शिक्षा के महत्व को मेरे माता पिता ने पहचाना और मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि मैं खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर पाई। वास्तव में ऐसे माहौल में पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती थी। मैं शाम को 7:30 बजे सो जाती थी और आधी रात को 2-3 बजे उठकर सुबह के 6-7 बजे तक पढ़ती थी और फिर स्कूल चली जाती थी। हमें भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दिलानी चाहिए। शैलजा से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। शैलजा मीडिया से बात करते हुए ये भी बताती है कि उन्हें दलित होने की वजह से कई बार जातिवाद का शिकार होना पड़ा। वो कहती है, एक दलित होने के नाते निश्चित रूप से कई बार मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, जब मुझे फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप मिली तो मेरे आसपास के कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वे अक्सर मुझसे पूछते थे, तुम्हें ये कैसे मिला? मुझे जो फेलोशिप मिली वो मेरे काम के लिए थी, लेकिन एक दलित महिला को मिली फेलोशिप से वो बहुत आश्चर्यचकित थे। हैरान तो होना ही था, क्योंकि भारत में बहुत से जातिवादी लोग दलितों को इंसान तक नहीं मानते, और ऐसे में जब वो अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया में झंडा गाड़ देते हैं तो मनुवादियों का परेशान होना लाजमी है। शैलजा एक तो दलित है और ऊपर से वो एक महिला है, ऐसे में मनुवादियों की जलन का अंदाजा लगाया जा सकता है। शैलजा पाई का अध्ययन दलित महिलाओं के जीवन के नजरिए से आधुनिक भारत में जाति, लिंग और सेक्सुअलिटी की पड़ताल करता है। वो कहती है कि दलित महिलाएं दलितों में भी दलित हैं। अपने समग्र अध्ययन के बारे में उन्होंने कहा, भारत की कुल आबादी में दलित 17% हैं। मैंने देखा कि दलित महिलाओं की शिक्षा पर बहुत काम नहीं किया गया। आंकड़े तो हैं, लेकिन सटीक स्थिति के बारे में कोई गुणात्मक शोध नहीं है। इन दलित महिलाओं का इतिहास किसी ने ठीक से नहीं लिखा, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना है। ऐतिहासिक रूप से इतनी बड़ी आबादी को किसी भी प्रकार की शिक्षा, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक जल निकायों या कुओं के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। चप्पल या नए कपड़े पहनने की तो बात ही छोड़ दे, भले ही कोई उनका खर्च उठाने की स्थिति में ही क्यों ना हो, दलित महिलाएं निसंदेह सबसे अधिक वंचित और उत्पीड़ित हैं। दलितों में उनकी स्थिति दलित जैसी है।
यही वह समाज है जहाँ से मैं आती हूँ। यही कारण है कि पिछले 25 वर्षों से मेरे अध्ययन, शोध और लेखन का विषय यही रहा है। शैलजा पाईक एक आधुनिक इतिहासकार हैं जो जाति, लिंग और सेक्सुअलिटी के चश्मे से दलित महिलाओं के जीवन का अध्ययन करती हैं। पाईक ने अपने अध्ययन के माध्यम से जाति प्रभुत्व के इतिहास पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने लेखन के जरिए बताया कि लिंग और सेक्सुअलिटी ने दलित महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके व्यक्तित्व के शोषण को कैसे प्रभावित किया है। उनके संपूर्ण लेखन के केंद्र में दलित और दलित महिलाएं हैं। अंग्रेजी, मराठी और हिंदी भाषाओं के साहित्य के अलावा उन्होंने समकालीन दलित महिलाओं के साक्षात्कार और उनके अनुभवों को जोड़कर आज के संदर्भ में एक नया दृष्टिकोण तैयार किया है। उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आधुनिक भारत में दलित महिला शिक्षा, दोहरा भेदभाव, जो कि 2014 में किताब पब्लिश हुई थी, और जाति की अश्लीलता यानी कि वल्गैरिटी ऑफ कास्ट, जिसमें दलित सेक्सुअलिटी और आधुनिक भारत में मानवता नाम से ये किताब जो है उन्होंने लिखी है। इस किताब में उन्होंने महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में शिक्षा के लिए दलित महिलाओं के संघर्ष की तुलना ब्रिटिश कालीन हालात से की है। आइए आपको शैलजा पाईक के अकादमिक जीवन के बारे में भी बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और वो कैसे उनका सफर रहा। शैलजा पाईक 2010 से सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी यानी कि यूएस की जो सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी है उससे जुड़ी हुई है। वहाँ वो महिला, लिंग और सेक्सुअलिटी अध्ययन और एशियाई अध्ययन की शोध प्रोफेसर है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली शैलजा ने एमए की पढ़ाई 1994-96 के दौरान सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से पूरी की। 2000 में उन्हें एमफिल के लिए विदेश जाने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने फेलोशिप दी थी और फिर वो इंग्लैंड चली गई। इसके बाद उन्हें आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। आज तक उनके शोध लेखन को अमेरिकी काउंसिल ऑफ लर्न सोसाइटी, स्टैनफोर्ड ह्यूमैनिटीज सेंटर, नेशनल एंडोमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, येल यूनिवर्सिटी, एमोरी यूनिवर्सिटी, फोर्ड फाउंडेशन और चार्ल्स फेल्प्स टेप्स रिसर्च सेंटर से फंडिंग मिली है। उन्होंने 2007 में इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने 2008-2010 के दौरान यूनियन कॉलेज में इतिहास के विजिटिंग सहायक प्रोफेसर और येल यूनिवर्सिटी में 2012-13 के दौरान दक्षिण एशिया इतिहास के पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। शैलजा पाईक हम सब के लिए एक मिसाल है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। दलित समाज को बाबा साहेब की ये बात माननी चाहिए और अपने घर की सभी लड़की और महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। कल कोई हो सकता है कि कोई दलित महिला शैलजा पाईक की तरह पूरे देश का नाम रोशन कर दे। शैलजा पाईक की इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर लिखे। कुछ लोग अभी भी मेरिट का रोना रोएंगे, लेकिन एक दलित महिला की कामयाबी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।